नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 12 से 18 जून के बीच के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर वो आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, कौन बने? जेपी नड्डा जी बन गए हैं बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष। ठीक है, ये दोस्तों नेशनल लेवल के अध्यक्ष रहते हैं पार्टियों के, और राष्ट्र स्टेट लेवल के अलग रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा स्पीकर कौन बने हैं? तो दोस्तों, ओम बिड़ला जी जो हैं लोकसभा स्पीकर बने हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो जिस पार्टी का बहुमत रहता है उसी पार्टी के रहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है दोस्तों, मुजफ्फरपुर क्यों चर्चा में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये इसीलिए चर्चा में है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जापानी बुखार, या जिसको चमकी बुखार भी कहते हैं और जिसको इन्फेलाइटिस भी बोलते हैं, इससे दोस्तों 100 से ज़्यादा बच्चों की जान चली गई है। और ये ज़्यादातर नमी वाले एरिया में, जहाँ थोड़ा गंदगी रहती है वहाँ पर, और ये जो बुखार है दोस्तों ज़्यादातर 15 साल से कम उम्र के बच्चों को अपनी चपेट में लेता है, और ये बुखार मच्छरों से भी फैलता है। और इस बुखार ये बुखार यदि आपके एरिया में फैल चुका है तो आप मास्क का यूज कर सकते हैं, और ये थूक लार और जो भी मलमूत्र से भी फैल सकता है। ठीक है, यूको बैंक कब बना दोस्तों? 1943 में बना था। नेक्स्ट है दोस्तों, एक फिच एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया की जो जीडीपी है उनकी रैंकिंग जारी करता है। तो दोस्तों, इसने जो भारत की जीडीपी की जो रेट है वो थोड़ा घटा दी है, पहले 6.8 बताई थी जो अभी आगामी वित्त वर्ष है उसमें, अब 6.6 कर दी है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड कप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत ने पाकिस्तान को कितने रन से हराया? तो दोस्तों 89 रन से हराया है। और मैं आपको बता दूं, भारत ने 336 रन का स्कोर दिया था, लेकिन टारगेट दिया था, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, बारिश हो गई थी मैच में, तो इस कारण 302 रन का टारगेट पाकिस्तान को मिला और पाकिस्तान को भारत ने हरा दिया 89 रन से। बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज को कितने विकेट से हराया है? दोस्तों 7 विकेट से हराया है, 321 रन का वेस्ट इंडीज ने टारगेट दिया, तो बांग्लादेश ने बहुत जल्द ही ये टारगेट हासिल कर लिया 40 ओवर के आसपास। AN-32 क्या है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, एक भारतीय वायुसेना का एक विमान था जो कि गायब हो गया था, इसमें 13 जो भारतीय वायुसेना के जवान थे वो भी शहीद हो गए हैं, और ये अरुणाचल प्रदेश में ये क्रैश हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, बैंकों का हमारे देश में विलय हो रहा है, तो अभी दो बड़े बैंक और बनाए जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों PNB बैंक में दो बैंकों का विलय होगा, उसमें इलाहाबाद बैंक है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, PNB बैंक में दो बैंकों का विलय हो रहा है, इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। दोस्तों, ATM शुल्क समिति के प्रमुख कन्नन बने हैं, कौन बने हैं? कन्नन। नेक्स्ट है, PM के प्रधान सचिव कौन बने हैं दोस्तों? जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव दोस्तों नृपेंद्र मिश्रा जी बने हैं, और जो अतिरिक्त प्रधान सचिव PK मिश्रा जी बने हैं। तो आपको याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते रहते हैं। लॉरा गेयर कौन है दोस्तों? तो USA सेना में जो पैदल टुकड़ी रहती है उसकी कमान इनको मिली है, तो आपको याद रखना है लॉरा गेयर। USA के विदेश मंत्री कौन है? तो माइक पोम्पियो USA के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट दोस्तों, PM फीफा रैंकिंग में इंडिया की रैंक कितनी है दोस्तों? जो फुटबॉल टीम रहती है ऑल ओवर वर्ल्ड की, तो दोस्तों उसमें 100वें नंबर पर भारतीय टीम आ गई है। पाकिस्तान के खिलाफ कितने भारतीय खिलाड़ियों ने शतक लगाया? दोस्तों रोहित शर्मा जी ने शतक लगाया था, 140 के आसपास इन्होंने रन बनाए थे। किस खिलाड़ी ने फर्स्ट बॉल पर पाकिस्तान का विकेट लिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जो वर्ल्ड कप में पहली बॉल पर विकेट लिया, तो विजय शंकर जी ने। ऑपरेशन सनराइज 2 क्या है? तो दोस्तों म्यांमार और भारत की सेना ने अपनी अपनी सीमा में जो आतंकवादी या अलगा जो उग्रवादी संगठन थे वहाँ पर स्ट्राइक किया था। ठीक है, तो ये भारतीय और म्यांमार सेना का ऑपरेशन था। ठीक है, PAK दोस्तों जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है उसमें दो प्रोजेक्टों का विरोध हो रहा है, जिसमें एक है नीलम और एक है झेलम। ठीक है, नीलम झेलम प्रोजेक्ट PAK में है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 6 मतलब शतक लगाने वाले, सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दोस्तों रोहित शर्मा जी बन गए हैं, और इनके 358 शतक हो गए हैं, और धोनी जी के जो हैं 355 के आसपास शतक हैं।
नेक्स्ट है, विश्व तीर अंदाजी चैंपियनशिप कहाँ हो रही है दोस्तों? तो ये हॉलैंड में हो रही है। कहाँ पर हो रही है? हॉलैंड में। नेक्स्ट है, मिस इंडिया कौन बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये राजस्थान की सुमन राव बनी है। और मैं आपको बता दूं, इनको जो ताज पहनाया मिस इंडिया का, अनुकृति वास जी ने पहनाया। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि अभी कुछ समय बाद इंडोनेशिया में मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता होगी उसमें ये भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट है, S-400 क्या है? तो दोस्तों ये लंबी दूरी की मिसाइल है जो कि रूस बनाता है, भारत इसे खरीदेगा। तो जो है अमेरिका ने इस पर आपत्ति जताई है कि भारत इसे ना खरीदे, ऐसा कुछ बोला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पिछले 6 से 7 दिन के इंपोर्टेंट जो करंट